guys, this is Abhishek. In this video, I'm going to talk about instructions in C language. इसके पहले के वीडियो में हमने बात कर ली थी कि instructions क्या होते हैं और कितने type के होते हैं. Okay, so हमने अभी तक देख लिया data type, data declaration instructions and input output instructions. इनका use कैसे करना है इसके पिछले वीडियो में मैंने already बता चुका. अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ऊपर I button में link है या फिर description में link, आपने पहले watch करिए, then ये video आपके लिए और भी helpful और भी सीखने के लिए helpful रहेगा. ओके, सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. ओके, सो इस वीडियो में हम देख रहे हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं. ओके, सो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ना है आज की वीडियो में, देखते हैं कैसे वर्क करता है. ओके, सो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटर, राइट. और ऑपरेटर पढ़ना मतलब आप सी लैंग्वेज का 40% क्लियर कर लेते हैं. ओके, मतलब चारों इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, आज हम जो पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. ये चार इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप सी लैंग्वेज का 60% सिलेबस कवर कर लेते हैं. ओके, सो इन्हें ध्यान से देखिए. ओके, ध्यान समझने की कोशिश करिए. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे क्यों यूज करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर मतलब एक होता है सिंबल. ओके, आप इंग्लिश में जैसे ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस का माइनस के लिए. ओके, और भी बहुत सारे ऑपरेटर आप यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, लाइक सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर प्रोवाइडेड हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, ऑपरेटर जस्ट लाइक सिंबल ही होते हैं, राइट. बट इनकी मीनिंग यहाँ पे अलग होती है. ये सात टाइप के होते हैं. पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा अरिथमेटिक, तीसरा बिटवाइज, चौथा रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल एंड असाइनमेंट. ओके, इन ऑपरेटर को स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इनकी प्रायोरिटी भी कुछ ऐसी होती है. ओके, सो अभी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनरी ऑपरेटर, देन नेक्स्ट वीडियो में अरिथमेटिक, देन बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिक एंड कंडीशन एंड असाइनमेंट. मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा आप. जितने अच्छे से आपका इंस्ट्रक्शंस क्लियर होगा उतने अच्छे आपका प्रोग्राम और उतने अच्छा आपका फिर सॉफ्टवेयर बिल्डअप होगा. ओके, तो ध्यान समझते हैं यूनरी ऑपरेटर. देखिए, यूनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं हम. यूनरी ऑपरेटर की मीनिंग क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं देख रहे हैं. कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो अपने काम करने के लिए सिंगल ऑपरेंड लेता है. ओके, सो उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर. सिंगल ऑपरेंड मतलब, देखिए आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे या फिर आप मैथमेटिक्स जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वहां पे हम क्या बोलते हैं चीजों को, डेटा या तो फिर कोई भी वैल्यू. ओके, जैसे आप 2 + 2 लेते हैं तो 2 और 2 क्या हो गया, 2 वैल्यू हो गई और उसके बीच में हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और आप जो चाहें. ओके, उन्हीं डेटा को, उन्हीं वैल्यू को हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ऑपरेंड. तो ऐसा ऑपरेटर जो जिन्हें काम करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत पड़े वो कहलाता है यूनरी ऑपरेटर. इसके टाइप है जैसे माइनस, जैसे प्लस, ये माइनस और प्लस प्लस करने और माइनस डिवीजन सबस्क्रिप्शन निकालने के लिए नहीं होते. ये प्लस और माइनस सिर्फ बताते हैं हमारे ऑपरेंड पॉजिटिव हैं या निगेटिव. ओके, सो पॉजिटिव और निगेटिव ऑपरेंड को बताने के लिए किसी नंबर को जरूरत नहीं पड़ती दो ऑपरेंड की, यहाँ पे एक ऑपरेंड पे ही काम चल जाता है. इसलिए ये प्लस और माइनस यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं. ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ. सो ये पांच टाइप होते हैं यूनिटी ऑपरेटर के, मतलब ये पांच ऑपरेटर जिन्हें काम करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, राइट. सो सबसे फर्स्ट देखते हैं माइनस. इसे आप आई होप आपको समझाने की जरूरत नहीं है. देखिए ऐसे वर्क करता है, कोई भी नंबर के आगे अपन माइनस सिंबल लगा देते हैं तो वो नंबर निगेटिव हो जाता है. ओके, जैसे 0 and 1, -7.5, राइट. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. ये ऑपरेटर सिर्फ बताता है कि नंबर निगेटिव है या नहीं, मतलब इसको काम करने के लिए चाहिए होता है एक ऑपरेंड. नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्लस, इसको भी आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है. प्लस ऑपरेटर है, किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है. ओके, अब कोई भी नंबर दे दीजिए, चाहे पॉइंटिंग हो चाहे नॉन पॉइंटिंग नंबर हो, वो उसे पॉजिटिव सिर्फ बताता है ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं. समझने वाली बात यहां से आती है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं और बहुत ही प्रोग्रामिंग के स्कोप में यूज किया जाता है इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को. ध्यान से समझिए. देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है और यूनरी ऑपरेटर जहां पे वर्ड आए आप समझ जाइएगा इसे काम करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, राइट. यहाँ पे क्लियरली इसकी डेफिनेशन लिखा है कि दिस ऑपरेटर दैट एड वन फ्रॉम देयर ऑपरेट, मतलब आप जो भी ऑपरेंड पास करेंगे उसमें एक प्लस कर देता है. कौन? इंक्रीमेंट ऑपरेटर. और इसे काम करने की जरूरत पड़ती है एक ऑपरेंड की. फॉर एग्जांपल मैंने 6 दिया ऑपरेंड तो इसको कर देगा 7 और ऐड दिया तो इसको कर देगा 9, क्योंकि इसका काम ही है कि एक ऐड करता है जो भी ऑपरेंड पास करते. ओके, प्रोग्राम के थ्रू इसको अगर प्रैक्टिकल समझ लिया जाए तो इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा. देखिए इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्रामिंग स्कोप में बहुत ही ज्यादा यूज आता है. तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम का अपना बेसिक सेटअप
बिल्डअप कर लेता हूँ, आई मीन हेडर फाइल्स लगाना। सबसे पहले हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, देन हम यूज करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट आई मीन कॉनियो डॉट एच। हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वॉइड मेन से और यहाँ से अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से करते हैं अपना काम। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने एक डिक्लेरेशन किया। आप डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसकी मैं असाइन कर दिया नाइन, आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, चलो 6 असाइन कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं अपन कोई भी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं सिर्फ, जो हमारे वैल्यू को जो रिजल्ट आएगा उसे होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिजल्ट टाइम के वेरिएबल ले लिया, मतलब दो मेमोरी ब्लॉक मैंने डिक्लेयर कर दिए, एक मेमोरी ब्लॉक में असाइन है 6 और दूसरा मेमोरी ब्लॉक अभी भी खाली है जिसका नाम है रिजल्ट, और दोनों है टाइप इंट के, मतलब कोई भी इंटीजर कॉन्स्टेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, आई मीन 0 से लेकर 9 तक। ओके, सो मैंने यहाँ पे रिजल्ट में आई मीन जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसमें क्या कर दिया मैंने, ए एक ऑपरेंड है ये, राइट, आप ये वेरिएबल है लेकिन इसे आप एक ऑपरेंड के टाइप ट्रीट कर सकते हैं, और बस इसमें मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने से होगा क्या, 6 में क्या, ए में क्या वैल्यू 6, ओके, जहां मैं ए लिखूं मतलब वो 6 को ही पॉइंट आउट करेगा, और इसमें मैंने लगाया है प्लस प्लस, और आपने अभी पढ़ा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज होता है एक ऐड कर देता है अपने ऑपरेंड में, तो हमारा ऑपरेंड है ए, ए मतलब 6, इसमें एक ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट 7 आ जाएगा। ओके, और 7 स्टोर हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज आपको पता है बहुत अच्छे से, लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड भी करता है कॉपी, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा 7, तो कि अपने ए में ऑपरेंड डाला है 6 और जो भी रिजल्ट आएगा उसे असाइन कर देगा वो रिजल्ट में, और प्रिंट एफ का यूज भी आपको करना आता है क्योंकि आपने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर पास नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रिजल्ट को रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा रिजल्ट का टाइप है क्या, तो रिजल्ट का टाइप है इंट, तो आपने इंट के लिए परसेंटेज यूज करते हैं, कॉमा लगा के उसका हम नाम देते हैं जिसकी वैल्यू हमें करनी है प्रिंट। अब हमें क्या करना है, क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLR SCR फंक्शंस को करना है कॉल, हमारी से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, प्रीवियस आउटपुट नहीं आएगा, और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कब तक, जब तक मैं कीबोर्ड से कोई एक की प्रेस ना कर दूं, उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा गेट CH, और देन फाइनली हम प्रोग्राम को करेंगे अपनी कंपाइल, सब कुछ सही होगा तो आएगा सक्सेस का मैसेज। आप इसको ऐसे दूसरे वैरायटी में भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिजल्ट वगैरह नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब एक ऑपरेंड टाइप ट्रीट होगा, यहाँ पास हमने इंक्रीमेंट किया मतलब यहाँ पे ए में जो होगा उसको एक प्लस कर देगा, और अगर आप अब प्रिंट करवाएंगे ए को तो ए की जगह पे प्रिंट होगा 7। ओके, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाई लाइन कोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा मेन फंक्शन से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, आपने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया ए नाम से जिसमें आप 6 डिक्लेयर कर दिए, ओके, और इसके बाद रिजल्ट नाम का वेरिएबल खाली है, इसका आप यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, राइट, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का यूज किया स्क्रीन क्लियर करने के लिए, इसके बाद ए में मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर को आई मीन इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कॉल कर दिया। इसका काम होता है कि जो भी ऑपरेंड होगा उसमें एक प्लस कर देगा, मतलब ए में 6 और प्लस प्लस क्या कर देगा 1, तो हो जाएगा टोटल 7, और अब हमें रिजल्ट प्रिंट कराऊंगा तो ए में अब 6 नहीं है, ए में अब 7 है क्योंकि आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी उसकी वैल्यू। ओके, अगर हम कंपाइल करें फिर तो सक्सेस का फिर मैसेज है। दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, और मैं करता हूं रन तो देखिए प्रिंट हो रहा है 7, और प्रिंट एफ का यूज आपको पता है, ये वैल्यू को प्रिंट करता है और एज इट इज टेक्स्ट भी प्रिंट करता है, तो अगर मैं ऐसे प्रिंट कर दूं तो अब आएगा वैल्यू इज 7 थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। ओके, अब इंक्रीमेंट आपको समझा कि आप कोई भी ऑपरेंड पास कर देंगे तो उसमें एक ऐड कर देता है, और इसे काम करने की जरूरत पड़ती है ओनली सिंगल ऑपरेंड की। ओके, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसका जस्ट अपोजिट होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक यूनरी ऑपरेटर होता है क्योंकि इसे भी काम करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, बट इसे लिखते कैसे हैं माइनस माइनस, राइट, और ये क्या करता है एक सब्सट्रैक्ट कर देता है जो भी ऑपरेंड आप पास करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए में क्या है 6, तो ये माइनस 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 मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा एक वैल्यू कम कर देगा 6 में। ओके, क्योंकि इसका काम यही है, इसका बिहेवियर यही है, इसका जॉब यही है कि जो भी ऑपरेंड आप पास करोगे उसमें से एक कम कर देता है। ओके, सो यहाँ पास ए में रखा है 6, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर हुई, यहाँ से क्या कर देगा 6 माइनस 1, और अब एक को मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट होना चाहिए वैल्यू इज 5। ओके, एक और यूनिरी ऑपरेटर के नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, तो अपन चलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर में। देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर है जो जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी कॉन्स्टेंट या फिर किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, राइट, मैंने क्या बोला किसी भी डेटा टाइप। ओके,
किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी ऑपरेंड. ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड ऑपरेंड जस्ट लाइक अ डेटा जिसको आप बोलते हो वैल्यू. ओके, तो ये किसी भी ऑपरेंड किसी भी वेरिएबल या किसी भी डेटा टाइप की साइज को प्रिंट कर सकता है. कौन? साइज ऑफ ऑपरेटर. राइट, कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता नहीं है कि इंट हमारे मेमोरी में कितनी बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं. ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारी वैल्यू को, जो हमारे वैल्यू जो साइज कैलकुलेट होगी उसको करेगा होल्ड. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सी नाम से बना लिया, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं. ओके, और असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल किया और साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से हमें किसी की भी साइज कैलकुलेट करके दे देता है ये साइज ऑफ ऑपरेटर. बस इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके आर्गुमेंट्स के अंदर आपको पास करना पड़ता है उसका नाम जिसके आप साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल मेरे को इंट की साइज कैलकुलेट करना है तो मैंने पास कर दिया इंट. ओके, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, इस इंट की साइज कैलकुलेट करेगा. और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, फॉर एग्जांपल इंट कंज्यूम करता है 2 बाइट, मुझे पता है. ओके, तो 2 आंसर यहां आएगा. और आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज की लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड में कर देता है कॉपी. सो इसका पूरा आंसर आएगा 2. सो 2 कॉपी हो जाएगा कहां, सी में. और आप चाहें तो सी को कर सकते हैं प्रिंट. ओके, कंपाइल करता हूं, सब कुछ सही होगा तो ओके सही है. तो ओके कोई बात नहीं, वार्निंग आ रही है, वो कह रहा है कंपाइलर कि आपने इसको बनाया लेकिन इसका यूज नहीं किया है. ओके, सो ये प्रोग्राम का एरर नहीं है, ये दस लाइक का वार्निंग है. इसको रन करेंगे, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और प्रिंट हो रहा है क्या, वैल्यू इज 2. ओके, वैल्यू इज 2 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इंट क्या करता है, कंज्यूम करता है ओनली 2 बाइट मेमोरी. राइट, यहाँ पे हम ऐसा चेंज कर देते हैं, साइज ऑफ इंट इज, और आप यहाँ पे प्रिंट करा के फिर देख लीजिए, ये टोटली हमें बताएगा किस इंट कंज्यूम करता है साइज ऑफ 2 बाइट. ओके, अगर आप इंट का नहीं फ्लोट का करना चाहें तो फ्लोट का भी कर सकते हैं, फ्लोट कंज्यूम करता है 4 बाइट. ओके, अगर डबल का करना चाहें आप तो डबल का भी कर सकते हैं. राइट, कितने बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है डबल, 8 बाइट. तो विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेटा टाइप वेरिएबल एंड ऑपरेंड की साइज, जिसमें सभी मैंने डेटा टाइप की साइज कैलकुलेट करके आपको बताया. देन अब बात करते हैं वेरिएबल की. फॉर एग्जांपल मैं ए की साइज कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ए की साइज होगी क्या, तो अभी हम सोचते हैं कि साइज क्या होगी. देखिए ए का टाइप क्या है, इंट, तो इंट कंज्यूम करता है 2 बाइट, तो जाहिर सी बात है उसकी हेल्प से जो मिलकर वेरिएबल बनेगा वो भी कंज्यूम करेगा 2 बाइट. ओके, तो अभी मैं रन करता हूं तो आंसर आना चाहिए 2. ओके, क्योंकि ए भी तो एक वेरिएबल है जो इंट डेटा टाइप की हेल्प से मिलकर बना हुआ है. ओके, अगर ये फ्लोट डेटा टाइप की हेल्प से मिलकर बना होता तो प्रिंट होता 4. राइट, यहाँ टाइप डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल का टाइप है क्या. देन हम नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी ऑपरेंड की साइज आप पता कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर दी. राइट, आप ऑपरेंड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपली जस्ट लाइक अ डेटा, जस्ट लाइक अ वैल्यू होते हैं जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. ओके, अब हम इसे कंपाइल करते हैं. देखिए वार्निंग आ रही है कि ए का यूज आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, एरर नहीं है. इसको हम फिर रन करते हैं और क्या प्रिंट होगा, इस बार वैल्यू इज 2, क्योंकि 7 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है. और इंटीजर कांस्टेंट किसके लिए यूज किया जाता है, इंट डेटा टाइप के लिए. इंटीजर कांस्टेंट इंट डेटा टाइप के लिए, और इंट कितना कंज्यूम करता है 2 बाइट, सो इंटीजर कांस्टेंट भी कंज्यूम करेगा 2 बाइट. ओके, इसलिए आंसर आ रहा है 2 बाइट. ओके, सो किसी भी ऑपरेंड की आप वैल्यू साइज चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने रियल कांस्टेंट ले लिया, और रियल कांस्टेंट के लिए आप यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 8. ओके, सो आप आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. सो आप इन पूरे इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करिए. आज हमने देखा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने देखा है आज पॉजिटिव मतलब प्लस, देन माइनस, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेक करता है. देन आपने देखा इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐड करता है, कोई भी ऑपरेंड पास कर दोगे उसका. देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और देन साइज ऑफ ऑपरेटर. साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया जाता है किसी भी डेटा टाइप वेरिएबल एंड ऑपरेंड की साइज को कैलकुलेट करने के लिए. ये 5 ऑपरेटर हैं जो यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं. और क्यों आते हैं, क्योंकि इन्हें काम करने के लिए सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है. ओके, 1 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई इसे हम यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखते हैं. तो आप ये याद रखिएगा, जो भी सिंगल ऑपरेंड में काम करता है वो ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहलाता है. वीडियो कैसा लगा, आप अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, एंड सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है या फिर सीखना चाहते हैं. ओके गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे.